खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां टीएमसी नेता के बेटे पर गैंगरेप का आरोप लगा है। कोलकाता गैंगरेप पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। कोलकाता गैंगरेप में पुलिस के एक्शन पर भी सवाल हैं। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया लेकिन बाद में फिर जमानत भी दे दी। सुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पार्षद के बेटे पर गैंगरेप का आरोप लगाया। आरोपियों ने वारदात का वीडियो भी बनाया, ऐसा दावा सुवेंदु अधिकारी की ओर से किया गया। ममता की पुलिस ने आरोपियों को छोड़ दिया, सुवेंदु ने कहा। सुवेंदु ने बंगाल पुलिस के खिलाफ विरोध मार्च उसके बाद निकाला। ज्यादा जानकारी इस खबर पर ले लेती हूँ। मेरे साथ रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। रैनिक, पश्चिम बंगाल सरकार, वहां की पुलिस प्रशासन पिछले कई दिनों से सवालों के घेरे में है। पुलिस की कार्यशैली खासतौर पर, इस तरह के कितने ही मामले महिलाओं के खिलाफ सामने आ चुके हैं लेकिन पुलिस कार्रवाई के नाम पर महज दिखावा करती है, ये पूरा मामला क्या है? बार बार से पुलिस के ऊपर ही सवाल आ रहा है कि पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि संदेश खाली की घटना के बाद कोलकाता का ये घटना बेहाला पुलिस स्टेशन, बेहाला का जो पॉन्डोस्ट्री इलाका, उस पॉन्डोस्ट्री इलाका का ये कंप्लेन है। 130 नंबर जो कोलकाता म्यूनिसिपल वार्ड, वो वार्ड के जो काउंसिलर के बेटे के अगेंस्ट में कंप्लेन है। जैसे कि बीजेपी की तरफ से कल सुवेंदु अधिकारी की तरफ से भी प्रोटेस्ट दिखाया गया, एक ही मांग करके कि पुलिस के पास जब गैंग रेप का कंप्लेन है, जो लड़की के साथ ये हादसा हुआ था, उस लड़की का 164 भी हो चुका है, उसके बावजूद जो मुजरिम है वो मुजरिम अभी तक फरार घूम रहे हैं। पुलिस की तरफ से सही तरीके से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एक्शन जो भी लिया जा रहा है उसमें ये मुजरिम को सेफ गार्ड करने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, ऐसा क्लेम है बीजेपी का। और बीजेपी की तरफ से कल सुवेंदु अधिकारी की तरफ से भी रैली किया गया था पड़ोसी थाना तक। ये जो पड़ोसी एरिया है शखेर बंजर एरिया से लेकर थाना तक ये रैली किया गया था, और प्रोटेस्ट भी करते हुए वो लोगों का एक ही मांग था कि तृणमूल कांग्रेस के जो काउंसिलर, उनके बेटे के अगेंस्ट में कंप्लेन है और इसी वजह से पुलिस की तरफ से सही तरीके से कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है, ऐसा भी कंप्लेन है बीजेपी का। और देखा जाए तो ये पूरा घटना जो फरवरी महीने का घटना है, एक महीने बीत चुका है, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई एक्शन लेने का जो प्रक्रिया वो नहीं किया गया है। जो मेन एक्यूज ये पूरा घटना में 3 से 4 लोग शामिल है, और जो भी पुलिस के तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो लड़की के साथ पहले भी इन लोगों के बातचीत होता था, उसके बाद ही इस तरीके का घटना फरवरी महीने का सेकेंड वीक में ये घटना घटा है, और इसी वजह से इसके बाद कंप्लेन होने के बाद ये लड़की का 164 यानी कोर्ट के सामने गुप्त जमानबंदी भी किया गया है। मगर उसके बावजूद भी जो मेन एक्यूज है, मेन एक्यूज को पकड़ने का काम पुलिस की तरफ से नहीं किया गया, ऐसा ही कंप्लेन है बीजेपी का। बिल्कुल, और देखिए सवाल भी कई सारे हैं महिला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की, लेकिन पिछले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल के अलग अलग जो मामले महिला उत्पीड़न के सामने आए हैं, जाहिर है उसके बाद रैनिक सवाल कई सारे हैं। चुनाव भी बेहद नजदीक है, ऐसे में नुकसान बड़ा हो सकता है वहां पर ममता बनर्जी को। महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, वहां की पुलिस का ढीला रवैया कार्रवाई को लेकर जिस तरह से सामने आ रहा है, फिलहाल रैनिक आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।